उत्तर प्रदेश में जहां एक ओर लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं और नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और तो और सत्ताधारी दल के नेता जी अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए नियमों को ताक पर रख रहे हैं। ऐसा ही वाकया सायहापुर से सामने आया। यहां सायहापुर के भाजपा नेता राजकमल वाजपेयी अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं का हुजूम लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल का घेराव किया। दरअसल भाजपा नेता का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में मरीजों को दी जा रही सेवाएं नाकाफी हैं और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते यहां मरीजों की मौत हो रही है। हंगामा कर रहे लोगों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज परिसर में ही बने L2 हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हाई रिस्क एरिया में इस तरीके से भाजपा नेता द्वारा अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए दर्जनों लोगों की जान को खतरे में डाला गया। हंगामा कर रहे लोगों में कुछ लोग ऐसे भी शामिल थे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं लगे हुए थे। भाजपाइयों की मांग जायज हो सकती है, जांच कराकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन के लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर हाई रिस्क जोन में इस तरीके से पहुंचकर हंगामा करना कितना जायज है, इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए और उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।